सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस है कि वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को पेश किया गया, लेकिन खौफ तारी है कि ये प्रोसीडिंग्स बराए रास्त नशर नहीं की गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि अदालती जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको किसी कन्विक्टेड एक इंडिविजुअल के कहने पे तो नशर नहीं किया जाएगा, और ऑब्वियसली एक सेंसिटिव सिचुएशन है। जिस तरह का आपने देखा कि 9 मई का वाकया जो है, इन्होंने और इनकी पार्टी ने लोगों को इश्तियाल दिलाया और लोगों को रोडों पे लेके आया, और जिस तरह फिर आपने देखा कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स अनफोल्ड हुए 9 मई के हवाले से, तो इनका तो ये दिल कर रहा था कि ये पूरी लाइव प्रोसीडिंग चले और ताकि उनके जो मुंह में आए, जो दिल में हो, इदारों के खिलाफ जो चढ़ाई उन्होंने करनी है, जो बोतानबाजी करनी है, या इवन सियासतदानों के खिलाफ भी, तो वो दिल खोल के बोले ताकि पूरी कौम को दोबारा से इश्तियाल दिया जाए। तो अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर ना करने का फैसला हुकूमती फैसला था बैरिस्टर साहब? देखिए जी, अदालत का अपना फैसला है, अदालत हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम नशर करेंगे या नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अदालत की एक सिचुएशन थी, और आपने देखा कि जिस तरह तस्वीर भी आज लीक हुई, और आपने देखा कि अभी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उसके लिए भी कोई कमेटी गालबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही तश्कील दी गई है, और ये एक सेंसिटिव मामला था। और इस सेंसिटिव मामले का ये कि सबसे पहली तो बात है कि कन्विक्टेड इंडिविजुअल को कोई किसी भी नेशन को एड्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही दोबारा इश्तियाल दिलाने की जरूरत है, और ना ही कोई दोबारा खुदा ना खास्ता कोई 9 मई वाली सूरत हाल सिचुएशन, क्योंकि इल्जाम तो देखे ना लगाए गए, और वो बार बार यही कहते थे कि मैं, मेरे साथ ये अगर होगा तो ये ठीक। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक भी अदालत में पेश किया जाए? नहीं, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अगर बात सुनी थी पहले, तो मैं इससे एज अ लॉयर ही इतफाक नहीं करता कि कोई एक कन्विक्टेड इंडिविजुअल अगर किसी लॉ को जो चैलेंज करे या किसी पॉलिसी को चैलेंज करे, और वो अगर उनके हक में फैसला उस टाइम 2 जजेस ने दिया और उसके बाद हुकूमत ICA में गई है और इंटर कोर्ट अपील दायर हुई है, तो ये क्या उन पर कोई जेरा होनी थी, कोई उनकी री एग्जामिनेशन होनी थी उनके किसी बयान की कि अदालत ने उनको बुलाया थ्रू वीडियो लिंक? तो ये सहूलत तो फिर नवाज शरीफ को भी मैसर होनी चाहिए थी, ये सहूलत फिर शबासी साहब को भी और मरीम नवाज साहब को भी मैसर होनी चाहिए थी। तो why is it that you know there are 2 systems in the country? नहीं, बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बीइंग कन्विक्टेड तो जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। देखिए, बात यह है कि फिर वीडियो लिंक के जरिए तो नहीं को पेश हुए ना। अभी मैं तो हाल की बात करूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक टू मच इनटू द हिस्टोरिकल इवेंट्स कि उस टाइम क्या हुआ। वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाला जो केस है वो तो आपको खुद आपने देखा कि अदालत में जो चीजें अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका डिसीजन आया, और आपने देखा कि उसपे डेफिनेटली उन्होंने कहा कि अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइए कि वो जो तस्वीर लीक हुई और फिर सोशल मीडिया पे वायरल होगी, आइडेंटिफाई कर लिया गया कि कहां से हुई थी? गालबन जो मैं सुन रहा हूँ कि कोई अदालत में कोई लॉ क्लर्क थे और उस पे गालबन, क्योंकि देखिये कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो कोई आम कोर्ट रूम नहीं है। जनरली स्पीकिंग अदालत के अंदर वकला के भी कोर्ट नंबर 1 में मोबाइल जो है वो बाहर ले लिए जाते हैं, अनलेस सेंट्रल कोर्ट का स्टाफ हो या जुडिशियल क्लर्क्स हो जो कि जज साहिबान के साथ काम करते हैं, तो उनको ही इजाजत होती है कि वो अपने लैपटॉप्स और फोन्स लेके जाएं। उसके अलावा कोई और नहीं है जो जाएगा, समेत दीगर वकला के भी हमारा फोन एंट्रेंस पे ले लिया जाता है। ठीक, आज की प्रोसीडिंग्स में बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जस्टिस सतर मिनल्ला के, और उन्होंने रेफर किया गुज़श्ता रोज फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पगड़ियां उछालने और फिर फुटबॉल बनाकर खेलने वाली बात को उन्होंने मेंशन किया कोर्ट एंड कोर्ट, और फिर कहा कि प्रॉक्सीज के जरिए से जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है। और बैरिस्टर साहब, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस भी ले लिया है। हाउ बिग इज दिस डेवलपमेंट? देखिये, मैं अभी ही देख रहा हूँ और मेरे अभी इल्म में आई है कि उसका कोई गालबन आज खुद नोटिस लिया है। पहली तो बात है कि आई थिंक रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ चलना चाहिए, और जो फैक्चुअल पोजीशन अगर फैसल वाडवा साहब ने ली है, जिसमें कोई एक डिक्लेरेशन गालबन नहीं थी और वो उनका लेटर गया और उस लेटर पे भी जवाब आया, और उस लेटर के जवाब में भी शायद फैसल वाडवा के मौकफ की तायीद हुई है कि उस टाइम कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स मौजूद नहीं थे, और ना ही कोई ऐसी बात रिकॉर्ड पे है कि वाकईतन जो है मौजूद जज साहब ने अपनी जो ग्रीन कार्ड था उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। गालबन शायद ऐसी कोई प्रोविजन भी उनके उस टाइम पे नहीं आती, लेकिन ये भी देखना है कि इतनी सेंसिटिव पोस्ट है और लोगों की सजा और जजा के जो मामलात हैं वो भी डिसाइड होते हैं, तो इस चीज को भी देखना है कि अगर सेंसिटिव पोस्ट पे वी एज पार्लियामेंटेरियंस हम लोग तो देखें ना, ये बार
हमें है डबल सिटीजनशिप के ऊपर कि हम किसी और मुल्क की शहरियत नहीं रख सकते क्योंकि हम तो कानून बनाते हैं। बट हैविंग सेड दैट सर, आज जो रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौकिफ सामने आया, वो कहते हैं कि ये कोई गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम नहीं है, ये कोई ग्रीन कार्ड होना कोई ये रोकता नहीं है, बार नहीं करता कि आप जज नहीं हो सकते कोर्ट। फिर तो इकामा पे फिर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता, फिर जाहिर सी बात है कि डबल जो सिटीजनशिप है बाकी मेंबरान की उनको भी ना निकाला जाए। बट फॉर दैट वी नीड टू सी ना कि लॉ व्हाट लॉ से सर, कानून क्या है, मतलब ये भी तो जरूरी है ना। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लॉ फिर देन स्ट्रिक्टली एंड स्क्वायरली कैन नॉट जस्ट ओनली बी अप्लाइड टू लेजिस्लेटर्स एंड लॉ मेकर्स। बात यह है कि हम इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं और हम लोग पार्लियामेंट में अगर आते हैं और हम कानून बनाते हैं तो जो कानून की तशरीह करते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट वो भी लॉ मेकर्स इन अ वे। इसके लिए तो फिर शायद जुडिशियल काउंसिल के रूल्स तब्दील होने चाहिए बैरिस्टर साहब। मैं डेफिनेटली जी आपकी इस मौके की तायद भी करता हूँ और मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो प्रोसेस है और इसी प्रोसेस पे ही देखिये बहुत से सवाल उठते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें अभी फिलवकत कोई पार्लियामान की से नहीं है, बजाय इसके के जो है एज ए रबर स्टैंप इंस्टीट्यूशन वहां पे हमें इस्तेमाल किया जाए। बैरिस्टर साहब, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो गया है, कल फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज जो है एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल एमकेएम के दीगर रहनुमाओं के साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल ही तलाल चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं अब क्या एग्जीक्यूटिव प्रेशराइज कर रही है जजेस को? नहीं कतन, ये ऐसी बात नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को प्रेशराइज कर रही है। ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जो है ये इंडिविजुअल्स का अपना हक है, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एज सेनेटर करना चाहते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करके हकायक कौम के सामने रखना चाहते हैं और अगर किसी की ऐसी कोई चीज है जो अवाम के सामने लाना चाहते हैं तो जरूर होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इज्जत मआब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो है उनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है, और मैंने तो यूएस इमिग्रेशन लॉ भी पढ़ा हुआ है और मैं अमेरिका में भी पढ़ता रहा हूँ, मैंने मास्टर्स वहां से किया है, वहां पे उनका अपना कानून ये कहता है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि ग्रीन कार्ड जिसके पास है उसकी परमानेंट प्लेस ऑफ रेजिडेंस अमरीका होगी। मेरे कई जानने वाले दोस्त हैं उनको ये आए रोज दुश्वारी होती है कि 6 महीने से ज्यादा वो पाकिस्तान नहीं रह सकते, जब वापस जाते हैं तो वहां पे यूएस बॉर्डर सीबीपी वाले कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल वाले उनसे पूछते हैं कि आपने डिसाइड करना है कि आपने पाकिस्तान रहना है या अमेरिका रहना है, या हम आपको वार्निंग दे रहे हैं बने तो हम विल एक्चुअली टेक योर कार्ड अवे कि हम आपका ग्रीन कार्ड जो है उसकी मनसूखी कर देंगे। तो ये चीज तो देखे ना, ये नहीं हो सकता कि एक कानून है एक मुल्क का और उसी को फॉलो नहीं किया। इंटरेस्टिंगली कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदालतों पर रिजर्वेशंस ये थे कि अदालतें एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर फैसले सुना रही है, और आज मुस्लिम लीग नून को तहफुजात ये है कि अदालतें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बात कर रही है। नहीं, हमें ये कोई तहफुज नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों बात कर रही है या नहीं कर रही, वो उनका अपना मामला है। अगर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट देखे, हम तो कहते हैं इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस मैंने देखे अभी तक उसमें उन्होंने कहा कि शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई सबूत मौजूद है कि कहां पे इंटरफेरेंस हुई है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट एंड क्लियर विद यू कि ये हमें इस तरह की इंटरफेरेंसेस जो है वो हर लेवल पे इंटरफेरेंस के ऊपर बात करनी चाहिए, सिर्फ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह से एलिजिबली इंटरफेरेंस है उस पर बात करना काफी नहीं है।